तो हेलो गाइस, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का अपने प्यारे YouTube चैनल पे। सो गाइस, आज मेरे पास आयरन मैन की तरफ से आने वाली आयरन मैन वाटर गन, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ एंड आपको मैं इसको चला कर भी दिखाने वाला हूँ। चलो फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो गाइस, आप लोग ये देख सकते हो यार, कुछ इस प्रकार की पैकेजिंग हमें देखने को मिल जाती है। चलो फटाफट निकाल लिया जाए अपनी आयरन मैन वाली वाटर गन को। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले यार हमारी देखने को मिल जाती है, ये है हमारी गन। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है एवेंजर लिखा भी हुआ है एंड ये आयरन मैन बना हुआ है। इसको चलाया कैसे आता है अभी मैं आपको ट्राई करके दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल इसको साइड रख देते हैं एंड अब निकाल लेते हैं अपने आयरन मैन के फेस को। सो आप लोग ये देख सकते हो, ये है आयरन मैन का फेस जिसमें हमें वाटर को भरना पड़ेगा। एंड वाटर को भरने के लिए ऊपर साइड पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको कैप को ओपन करना है एंड देन आप लोग यहाँ पे वाटर को इजिली फिलअप कर सकते हो, ठीक है। एंड पीछे साइड पे आपको यहाँ पे बद्दी देखने को मिल जाती है, छोटा अगर कोई बच्चा है तो वो आराम से इसको अपने पीठ पे टांग सकता है एंड आराम से वाटर में मजा ले सकता है, ठीक है। तो फिलहाल इसको साइड में रखते हैं एंड इसके साथ हमें कुछ और भी चीजें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि ये है हमें मिला है इसके साथ गुलाल, जो कि पूरा हर्बल गुलाल यहाँ पे दिया गया है। और ये कितने ग्राम का है? सो यहाँ पे जो ये 100 ग्राम का है और 50 रुपए का है, ठीक है। तो फिलहाल इसको साइड में रखते हैं एंड इसके साथ हमें और एक्स्ट्रा चीज मिल जाती है, ये है वाटर बलून। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर कितने वाटर बलून है, फिलहाल यहाँ पे शायद मेंशन नहीं किया गया है। तो अभी हम सब कुछ यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। तो पूरा हमारा बॉक्स जो हो गया है खाली। तो अब जो है देख सकते हो टोटल इतनी चीजें जो है हमें इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। और इसके प्राइस की बात करूँ तो 600 रुपए में जो है मुझे ये पड़ा है। तो चलो अब इसको ट्राई भी कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मेरे पास कुछ पिछले होली का अबीर पड़ी थी, तो इस अबीर को यहाँ पे मैं मिक्स कर लेता हूँ फटाफट सबसे पहले। तो ये मैंने अबीर को यहाँ पे अच्छे तरीके से डाल दिया है भाई साहब एंड अब जो है इसको हम लोग मिला लेते हैं। तो ये हमारा फिलहाल कलर बन चुका है। अब अपने यहाँ पे आयरन मैन के अंदर जो है मैं फिलहाल यहाँ पे भर देता हूँ। वैसे इसके अंदर जो है 2.5 लीटर जो है कलर आ जाता है। तो फिलहाल अब इसको यहाँ से इसके अंदर से डाल देते हैं। तो ये हमारा पूरी तरीके से भर चुका है। अब इसमें जो है कैप को लगा लेता हूँ भाई साहब एंड अब ये हमारा तैयार है। तो इस नली को जो है इसमें यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इस नली को जो इसके अंदर फिट कर लेता हूँ टाइटली एंड ये हमारा पूरी तरीके से जो है तैयार हो चुकी है। चलो अब इसको ट्राई करता हूँ भाई कितना ज़्यादा तेज ये हमारा पानी फायर करेगी, ठीक है। तो इसको जो है फिलहाल मैं पहले अपनी पीठ पे पहन लेता हूँ एंड फिर चलाऊंगा। तो गाइस, यहाँ पे मैंने इसको अपनी पीठ पर पहन लिया है, अब चलो इसे ट्राई करते हैं। तो ये जो है कैसे चलेगी? ओ भाई, पानी आ गया यार इसमें, ये देखो। या भाई, बहुत ज्यादा दूर तक जा रहा है यार पानी। दिखाओ यार जरा कितनी ज्यादा दूर तक जो है इसके पानी का प्रेशर जा रहा है, ये देखो यार। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ट्राई करके दिखाता हूँ इस पेपर पर। तो गाइस, आप लोगों को इसकी आवाज से पता चल गया होगा भाई कितनी ज्यादा प्रेशर से ये पानी को फेंक रहा है। देखो यार, मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, अब जो हम वाटर बलून को यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं, आप लोग देख सकते हो मैंने कुछ हाथों में वाटर बलून को निकाल लिया है एंड यहाँ पे मैं डायरेक्टली भरने वाला हूँ अपने नल से, ठीक है। चलो फटाफट एक एक करके लगाते हैं, देखते हैं भाई इसमें भर पाऊंगा कि नहीं, ठीक है। सो ये जो है थोड़ा सा मेरे को लग रहा नहीं हो पाएगा एंड ये हमने लगा दिया है एंड भाई साहब। तो ये हमारा पहला वाटर बलून फूल गया, ऐसे करके फटाफट में सारे बलून को फुला लेता हूँ एंड देन मिलता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैंने जो है बलून को फुला लिया एंड चलो अब बारी बारी करके ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं पकड़ लिया हूँ एक बलून को एंड इस दीवार पे मैं जो इसको मारने वाला हूँ। ओ भाई साहब, क्या गजब का भाई पानी आ रहा यार। इसमें मैंने जो है रंग को नहीं मिलाया, ऐसे ही मैंने बलून को बस फुलाया, ठीक है। अब जो है मैं इसको ऊपर फेंकने वाला हूँ, देखते भाई। देखो ऊपर, देखो ये।
बार मैं जो है सबसे ऊपर इस बलून को फेंकने वाला हूँ, देखते हैं भाई कितना ऊपर तक जा सकता है। ठीक है, ये ओ भाई साहब बहुत ऊंचा गया था। एंड अब जो है इसको मैं आगे दीवार पे मारने वाला हूँ। ठीक है, दीवार पे मैं मारूंगा। ये गाइस हमारा सबसे छोटा वाला वाटर बलून, आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा छोटा साइज का है। इसको मैं ऊपर से फेंकूंगा, देखते हैं फूटेगा कि नहीं। वैसे इसमें बहुत ज्यादा फूटना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी ट्राई करते हैं। ये गया, वो देखो गाइस ये गिरा रहे भाई, ये सब फूटा ही नहीं यार। ये देखो गाइस ये तो बिल्कुल फूटा ही नहीं, एकदम वैसे का वैसा ही रहा। एक बार फिर से ऊपर फेंकता हूँ, देखते हैं दोबारा से फूटता भी है कि नहीं भाई। ठीक है, सो ये 1 2 3 वो देखो कितना ऊंचा मैंने फेंक दिया भाई साहब, ये दोबारा फूटा नहीं है। देख लो इसको तो मैं ऐसे करके फोड़ दूंगा। तो गाइस ये हमारा जो है लास्ट वाला वाटर बलून है, इसके बाद मेरे पास वाटर बलून खत्म हो चुके हैं। चलो इसको फेंकता हूँ। ये तो गाइस पूरा हमारा वाटर बलून हो गया है खत्म। तो गाइस अब जो इसकी पावर टेस्ट करने वाला हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपने सारे घर के ग्लास यार रख दिए। इस बात पे यार एक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो यार। चलो अब ये पावर इसकी टेस्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी को पूरा भर लिया है एंड यहाँ पे चलो फिलहाल स्टार्ट करता हूँ। ये पोजीशन मैंने अपनी ले ली, रेडी स्टडी एंड गो। भाई सबसे पहले ऊपर वाले को टारगेट करता हूँ। भाई साहब मैंने एक को टारगेट किया यार, सारे के सारे ग्लास गिर गए हैं। अब वापस से नीचे वाले ग्लास को मैं टारगेट करता हूँ। ठीक है, सो ये हमारी भाई, ओ भाई क्या प्रेशर यार इसके अंदर। ओहो एक और गया, अब लास्ट वाला बचा है उसको भी ट्राई करता हूँ। ठीक है, ये ओ भाई लास्ट वाला बहुत ज्यादा भारी ग्लास है, लेकिन भाई यार ये गिर जाता है, लेकिन यार देख सकते हो यहाँ पर टीन आ गई। तो भाई ये पूरी चीटिंग है, ये हमारा ग्लास गया नीचे। तो फाइनली ये हमारी पिचकारी जो है विनर हो गई है। आप लोग भाई इसको खरीदना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जाके चेक कर लेना, सब्सक्राइब और लाइक कर दो। भाई बहुत मेहनत लगी है, देख लो पूरी रात हो गई इस वीडियो को बनाते बनाते। तो चलो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों बाय बाय एंड टाटा।